नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक दलाल मदर हॉस्पिटल हिसार से एमडी आयुर्वेद विशेषज्ञ। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूं जो मेरे परिवार, आपके, आपकी माता बहन या किसी बच्चे को हो सकती है। मैं आज बात करना चाह रहा हूं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या जिसको हम कह सकते हैं पीसीओडी। इसमें जनरली क्या होता है, ये हमारी ओवरी होती है, इसमें हर बार क्या होता है, हर महीने में जनरली एक महिला के लाइफ साइकिल में क्या होता है, एग्स बनते हैं और वो रप्चर होकर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जब पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें एग तो बनते हैं लेकिन वो रप्चर नहीं हो पाते। रप्चर ना होने की वजह से वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसे सिस्टिक अपीयरेंस होने लग जाता है जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। अब इसके पीछे होने की मुख्य वजह क्या है, आप अपनी दादी या नानी से पूछिए क्या उस ज़माने में बीमारी होती थी, वो कहेंगे नहीं। तो ये बीमारी कैसे आई, ये बीमारी आई आपके रहन सहन से, आपके खान पान से, आपकी जो आपकी जीवन शैली है उससे। इसके सबसे मुख्यतः तीन सिम्टम होते हैं। सबसे पहला, जब भी ये हो जाते हैं, आजकल मुख्यतः हर 10 में से 6 लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पाया जा रहा है, उनका सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, 12-13 साल की तो उम्र में स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। और पहला सिम्टम क्या होता है, उनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, जनरली इरेगुलर पीरियड्स होंगे। उसके बाद दूसरे उनका क्या होगा, उनका बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है। वेट बढ़ने के पीछे की वजह क्या है, बॉडी इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट करने लग जाती है, उसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ने लग जाता है। और सबसे बड़ा होता है, एक गर्ल लड़की है या कोई औरत है, उनके लिए सबसे बड़ा गहना होता है उनकी खूबसूरती। उसमें क्या हो जाता है, जब पीसीओडी होने लगती है तो पीसीओडी में उनके चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, मतलब जितने भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं लेग्स पे, चेस्ट पे, फेस पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। इसके पीछे की वजह उनकी बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लग जाता है। जनरली पीसीओडी में क्या होता है, FSH और LH हार्मोन होते हैं जो जनरली नॉर्मल लेवल को बनाए रखते हैं, लेकिन महिला में FSH LH कम हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है। उसकी वजह से उनको इरेगुलर पीरियड्स होने लग जाएंगे, दो दो तीन तीन महीने का गैप देकर आएंगे, वेट बढ़ने लग जाएगा, उनको सारी कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होने लग जाएंगी, चेहरे पे पिंपल्स आ जाएंगे और वो मतलब उनकी ओबिसिटी भी एक अलग ही टाइप की होगी। ओबिसिटी जनरली एप्पल शेप, पियर शेप, फुटबॉल शेप की होती हैं, तो उनको जनरली पियर या फुटबॉल शेप की ओबिसिटी होने लग जाती है। तीसरी एक सबसे मुख्यतः बात क्या होती है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनको सबसे बड़ी समस्या आती है कंसीव करने में, अर्थात वो माता पिता बनने में उनको बड़ी समस्या आती है, वो माँ नहीं बन पाती। माँ नहीं बनने के पीछे की वजह, जैसे मैंने बताया है कि ओवरी में एग तो बनते हैं लेकिन ये एग रिलीज नहीं हो पाते, इनमें सिस्टिक अपीयरेंस बनने लग जाता है। ये एग रिलीज नहीं हो पाएंगे तो जाहिर सी बात स्पर्म से नहीं मिल पाएंगे और उनको बच्चा नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब समाधान क्या है, जनरली एलोपैथी में क्या दिया जाता है, हॉर्मोन्स दिए जाते हैं। वो हॉर्मोन्स होते हैं जो एक भेड़ को दिए जाते हैं जिससे भेड़ को ऊन का प्रोडक्शन बढ़े या उनको दूध की मात्रा बढ़े। अगर ऐसे हार्मफुल हॉर्मोन्स आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, इसके बजाय आयुर्वेद में आइए। आयुर्वेद में आपकी जो जनरली आपकी बॉडी को बैलेंस करने वाली चीज़ें दी जाएंगी जिनसे आपके हॉर्मोन रेगुलर हो जाएंगे, आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे और आपकी जितने भी कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी हैं वो ठीक हो जाएंगी। आप में अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई संदेह है या आपके परिवार में किसी को है, तो आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपका एक कॉल, एक सुझाव किसी को, एक सही जगह का रास्ता किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। नमस्कार। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।